अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी चिकन मैक्रोनी और फ्रेंच टोस्ट, आप शाही टुकड़ा भी बोल सकते हैं इसको। और बनाऊँगी पिज़्ज़ा होममेड। आप वीडियो को लास्ट टाइम देखिएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और तो सबसे पहले टाइम ज़ाया के बगैर मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ रेसिपी को। गाइस, आज तो रोज़ा बहुत लग रहा है और मुझसे तो कड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और सबसे पहले मैंने प्याज गोल्डन होने के लिए रखा है पतीले में, और ये चिकन डाल रही हूँ, चिकन सॉस बना रही हूँ मैक्रोनी के लिए। चिकन को अच्छी तरह मैं ब्राउन कर लूँगी प्याज के साथ। तो स्पून की हेल्प से आप इसे मिक्स करें गोल्डन फ्राई होने तक। ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है, वन टीस्पून मैंने डाले, वन टीस्पून मैंने डाले, हाफ मैंने गार्लिक डाले और हाफ मैंने वो सॉल्ट भी डाले इसमें। तो यहाँ दूसरी तरफ हमारा मैक्रोनी बॉयल हो रहा है, मैं इसको चेक करती हूँ। ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है और यहाँ मैं सॉल्ट ऐड करती हूँ चिकन में। और ये टमाटर जा रहा है इसमें, तकरीबन 3 अदद रेड चिली सॉस बना रही हूँ मैं मैक्रोनी। और तमाम स्पाइस मैंने ऐड कर दिया है इसमें, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून है, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून है, ज़ीरा रोस्ट करके मैंने उसको पाउडर फॉर्म में बनाया था वो भी डाला है, और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून उसमें डाला है, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो ये हमारा चिकन पक रहा है, और ये है कश्मीरी रेड चिली सॉस 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया है, क्योंकि मैं रेड सॉस में बना रही हूँ ना, इसलिए आप अपने हिसाब से कश्मीरी रेड चिली पाउडर वो भी आप स्किप कर सकते हैं, चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। और इसमें मैंने चिली सॉस भी ऐड किया है 1 टीस्पून, और सोया सॉस भी तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया है। और इसे अच्छी तरह मिक्स करें आप। तो मैंने मैक्रोनी में ये ऐड कर दिया है हमारा चिकन सॉस, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना है हमारा चिकन मैक्रोनी। रेड सॉस में तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब मैं आती हूँ इस तरफ, फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ बच्चों के लिए। सबसे पहले मैंने 2 एग्स लिए हैं और इसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर मेड कर रही हूँ, एक चुटकी आप डाल सकते हैं, ये थोड़ा स्मेल दूर करने के लिए। और मैं डाल रही हूँ दूध, मिल्क तकरीबन 1/2 कप में ऐड करूँगी, और इसे आप अच्छी तरह मिक्स करें। ये देखिए इसी फॉर्म में आ चुका है ऐड करने के बाद, मिल्क ऐड करने के बाद। आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, और बच्चों को बड़े पसंद होते हैं ये। और आज तो रोज़े की वजह से मुझसे मेरा आवाज़ भी नहीं निकल रहा है गाइस। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला सब मुसलमानों पर अपना ख़ास करम करे और हमारे रोज़ा कबूल फरमाए, आमीन या रब। तो मैंने ब्रेड निकाल लिया प्लेट में।
ये देखिए, मैं जो मैंने मिक्सचर रेडी किया था उसमें, तो इसी मिक्सचर में हम ब्रेड को डिबो कर निकालेंगे वन बाय वन, और हम दूसरी तरफ हमने कढ़ाई को रखा है ऑयल में, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम वन बाय वन इसमें डालेंगे ब्रेड को, और ये हमारा जब एक तरफ क्रिस्पी हो जाए तो हम चिमटा की हेल्प से इसका साइड चेंज करेंगे। और इसका भी दूसरा साइड चेंज करते हैं। ये देखिए, हम क्रिस्पी होने तक उसको फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। आप चाहे तो डिप करके भी बना सकते हैं ऑयल के अंदर, और आप चाहे तो उसको तवे में या घी से भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं ऑयल में बना रही हूँ। और ये देखिए, हमारा काफ़ी हद तक ये क्रिस्पी हो चुका है। उसको टिश्यू में निकालेंगे, एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो टिश्यू में एडजस्ट हो जाता है। और ये दूसरा पीस है, अभी तक इसको ये फ्राई हो रहा है। इस तरह आप वन बाय वन सारे में फ्राई करके प्लेट में निकाल लूँगी। आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत डिलीशियस बनता है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और ये देखिए, माशाल्लाह से कितना क्रिस्पी हो चुका है ये। मेरा तो अभी से खाने का दिल कर रहा है। और हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट सब रेडी हो चुका है। मैं उसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दालचीनी की वजह से इसका कलर थोड़ा डार्क आया है, और माशाल्लाह से ये देखिए हमारा रेडी है सब। तो मैं अब आती हूँ पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करने। तो ये मैंने पहले से बना के रखा था, अब इसको फ्राई पैन में बनाऊँगी। हमारा ओवन ख़राब हो चुका है तो मैं इसको फ्राई पैन में ही बनाऊँगी आज। पहले से रेडी करके रखा था, वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। उसकी वीडियो मैंने नेक्स्ट में अपलोड करूँगी। आज इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये हमारा होममेड है, मैंने घर में रेडी किया है, और इसको ना मैं फ्राई पैन में ही बनाऊँगी। माशाल्लाह से ये देखिए बन के तैयार है, हमारा चीज़ भी मेल्ट हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, आप घर में इजीली बना सकते हैं, आसान है, विदाउट ओवन के भी आप फ्राई पैन में बना सकते हैं। तो हमारा पिज़्ज़ा रेडी है, ये आज का हमारा इफ्तारी है। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये हमारा इफ्तारी है, आप लोग भी आए इफ्तारी करने। और ये मैक्रोनी है, पिज़्ज़ा है, और साथ में ये चिली सॉस, इमली की चटनी है। तो आपसे मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग में। आज के व्लॉग का इतना ही।